हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइट पे जो हिस्ट्री बुक होती है वो किस लिए होती है और इसका क्या यूज है। ओके, सो अभी मेरा डिस्कशन काम चल रहा है, तो उस पर ये हिस्ट्री बुक है। तो हिस्ट्री बुक क्या होती है? तो हिस्ट्री बुक मेनली एक रजिस्टर हम लोग बनाते हैं साइट पे, जिसमें आपकी साइट की जो भी वर्क प्रोसेस होती है, जो भी वर्क होती है, आज आपने साइट पे क्या काम किया, कास्टिंग किया, बार बाइंडिंग किया, शटरिंग किया, ड्रिलिंग किया, जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी काम होंगे, जो भी उस साइट पे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होंगे, उसको हम लोग हिस्ट्री बुक में मेंशन करते हैं। जैसे ये मेरा हिस्ट्री बुक है साइट का, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा हिस्ट्री बुक है। ओके, इधर देखो ये हिस्ट्री बुक है, ये देखो ये है मेरा हिस्ट्री बुक। हमने क्या किया, सीरियल नंबर मेंशन कर दिया, डेट मेंशन किया, और वर्क जो एग्जीक्यूट हुआ है, जो वर्क मतलब प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में, उसको हम इसमें क्लियर करते हैं डेली का। ओके, जैसे देखो 26/7/23 क्या किया, कंफर्मेटरी बोर्डिंग हमारी इनिशिएट हुई। उसके बाद फिर 29 को पीयर 1 पीयर 2 के सैंपल लिए गए, करेक्ट किए गए बोर्डिंग के। ओके, सिमिलरली हम लोग सारे डिटेल्स जो भी साइट पे काम होगा उसकी डिटेल्स को हम लोग हिस्ट्री बुक में मेंशन करेंगे। ये देखो जैसे कि क्या है, 31/18/1 को क्या हुआ, नो वर्क ड्यूटी रहे। साइट पे अगर काम नहीं भी हुआ तो भी हम लोग उसको हिस्ट्री बुक में मेंशन करेंगे, उस पर आपके साइन होंगे, क्लाइंट के साइन होंगे। अब नेक्स्ट में क्या, 19/1 को, 18/1 को नो वर्क ड्यूटी, 19/1 क्या हुआ, ए आर वेल करके सिंकिंग हुई। तो साइट पे जो भी काम होगा, अगर काम नहीं भी हुआ वो भी मेंशन होगा, मतलब साइट की जो भी हिस्ट्री होगी उस दिन की, वो सारा डिटेल हम लोग हिस्ट्री बुक में मेंशन करेंगे। इसलिए साइट पे हिस्ट्री बुक होना जरूरी है। ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ईओटी में, हमारा ईओटी में काम आता है, अगर टाइमिंग एक्सटेंशन कराना हो, प्रोजेक्ट किसी कारण डिले हुआ हो, तो उस टाइम में काम आता है, आपको रिपोर्ट बनाने में काम आता है, पर डे हमने क्या काम किया, क्या एक्सपेंस हुआ। तो इसलिए हमें हिस्ट्री बुक होना साइट पर जरूरी है। इसमें देखो सारे डिटेल्स है, ए आर वेल कर्व से, ए आर वेल कर्व कम्प्लीट, पी वन वेल कर्व सिंकिंग, कितनी सिंकिंग 1 मीटर हुई। इधर देखो, इधर भी सारे डिटेल्स हैं, प्लस में सिग्नेचर से। तो हिस्ट्री बुक मेनली साइट पे कि साइट की पूरी डिटेल, वर्क की पूरी डिटेल, अगर क्लाइंट विजिट हुई वो भी लिखना होता है, इसलिए हिस्ट्री बुक साइट पर होना जरूरी है। हिस्ट्री बुक से हमें प्रोजेक्ट की, मतलब प्रोजेक्ट की एक पूरी डिटेल सामने आ जाती है, इस मंथ में, इस डे, इस वीक क्या काम हुआ। इसलिए हम लोग साइट पे हिस्ट्री बुक का यूज करते हैं और इसे हम लोग हिस्ट्री बुक बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।